गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित और आप लोग देख रहे हैं अमित गेमर। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं इस गरीब रथ एक्सप्रेस का रेस्क्यू। गाइस इसके चलने से पहले इसके जो है ब्रेक नहीं देखे गए कि इसके ब्रेक्स लग भी रहे हैं या नहीं, इसी कारण जो है इसके ब्रेक फेल हो गए हैं। गाइस देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, ये ऐसी ही चलती गई तो यार इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे जा करके जो है रेस्क्यू करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक्ट को। सो गाइस देख सकते हो रेस्क्यू करने के लिए हमें मिला है WDG-4D, ये लोकोमोटिव आज हम यूज़ करेंगे रेस्क्यू करने के लिए उस गरीब रथ एक्सप्रेस को। तो चलिए गाइज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उस ट्रेन को जो है पकड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ जा रही है गाइज। अगर वो ऐसे ही चलती रहेगी यार उसका फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें उस ट्रेन को बचाना है, उसमें काफ़ी हज़ारों लोग जो हैं बैठे हुए हैं, उनकी जान को हमें बचाना है गाइज। तो चलिए हम लोग चलते हैं, उस ट्रेन को पकड़ते हैं और उसको रेस्क्यू करते हैं गाइज। और गाइज साथ में आप लोग इन्जॉय करिएगा ट्रैक साउंड को भी। तो गाइज देख सकते हो कितनी स्पीड में जो है ट्रेन जा रही है गाइज। लोको पायलट ने पूरा जो है दम लगा दिया है ट्रेन को रोकने में, फिर भी जो है ट्रेन नहीं रुक पा रही है क्योंकि इसके टोटली 100% जो है ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, बिल्कुल भी जो ट्रेन नहीं रुक रही है। और हम इसी को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, पीछे हमारा लोकोमोटिव आ रहा है पूरी स्पीड से इस ट्रेन को रेस्क्यू करने के लिए। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो हमारा लोकोमोटिव कितनी स्पीड में जा रहा है गाइज़। और अभी हम लोग एक स्टेशन को जो है स्किप कर रहे हैं। इंडियन रेलवेज़ ने जितनी भी ट्रेन्स को है, जो भी ट्रेन चल रही थी इस रूट पे गाइज़, उन सबको उनके स्टेशन्स पर रुकवा दिया गया है। इसलिए रुकवाया गया है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमारी ट्रेन किसी ट्रेन को हिट ना कर दे, इसलिए जो है सारी ट्रेन्स को रुकवा दिया गया है, सारा ट्रैफिक रोक दिया गया है और सिर्फ हमारी ट्रेन और हमारा लोकोमोटिव ही जो है इस रूट पर चल रहा है अभी। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा लोकोमोटिव कितनी स्पीड में जा रहा है गाइस। कुछ ही सेकंड्स में आपको ट्रेन, मतलब कुछ ही देर में आपको ट्रेन भी देखने को मिलेगी जो सामने जा रही है गाइस। तो गाइस देख सकते हो हमारा लोकोमोटिव कितनी स्पीड में जा रहा है उस गरीब रथ एक्सप्रेस को रेस्क्यू करने के लिए। गाइस हमें उस ट्रेन को रेस्क्यू करना है, अगर हम उस ट्रेन को रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं गाइस, जो उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं वो इंजर्ड हो सकते हैं, उन्हें हानि पहुँच सकती है, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं गाइस, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें बच्चे भी हैं गाइस, उनमें बच्चों को भी हानि पहुंच सकती है गाइस। इसीलिए हमें ये रेस्क्यू करना होगा जल्दी जल्दी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है गाइस। और आप लोग देख सकते हो सामने जो है अब ट्रेन दिखने भी लगी है हल्की हल्की, अभी जैसे ही कर्व ख़त्म होगा तो आपको ट्रेन देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो गाइस सामने ही ट्रेन है, सामने ट्रेन आपको हल्की हल्की देखने को मिल रही होगी गाइस। हमें लोकोमोटिव की स्पीड जो है और बढ़ानी होगी, नहीं तो यार अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया ना, फिर अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे गाइस, उनकी लाइफ अब हमारे हाथों में है गाइस, कैसे भी करके उनको बचाना है अब हमको। तो देख सकते हो कितना पास आ चुके हैं हम ट्रेन के। तो गाइस कुछ ही सेकेंड्स में हम लोग जो है ट्रेन को जा कर के कपल कर लेंगे अपने लोकोमोटिव से। तो गाइस थोड़ी सी स्पीड और इंक्रीज़ कर देते हैं और जो सारा ट्रैफिक है रुकवा दिया गया है पहले से ही गाइस। इंडियन रेलवेज़ ने सारा ट्रैफिक रुकवा दिया है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, हमारी ट्रेन किसी ट्रेन को जाकर हिट ना कर दे। और देख सकते हो बहुत ही पास आ चुके हैं ट्रेन के हम लोग गाइस। और इस वक्त हमारी ट्रेन जो है, हमारा लोकोमोटिव जो है उस ट्रेन के और भी बहुत पास आ चुका है, थोड़ा सा स्पीड जो मैंने कम कर लिया है ताकि जो लोकोमोटिव है ज़्यादा ज़ोर से कपल ना हो जाए और डिरेलमेंट ना हो जाए कहीं ट्रेन की हमारी वजह से। तो देख सकते हो गाइस बहुत पास आ चुके हैं हम ट्रेन के, अब कुछ ही सेकंड्स में जो है कपलिंग हो जाएगी और आप लोग एंजॉय करना ये कपलिंग सीन को गाइस। देख सकते हो कपल होने ही वाला है लोकोमोटिव। तो गाइस ये हो गया है हमारा लोकोमोटिव कपल गरीब रथ एक्सप्रेस से। तो अब हमें टाइट जो है ब्रेकिंग करनी होगी गाइस, बहुत ज़्यादा टाइट ब्रेकिंग, क्योंकि ट्रेन को रोकना है गाइस अब हमको। तो गाइस अब आप देख सकते हो ट्रेन रुकने ही वाला है। तो गाइस ये
सो गाइस देख सकते हो हमने जो है रेस्क्यू जो मिशन है पूरा कर लिया है गाइस, हज़ारों लोगों की जान जो है हमने बचा ली है। और अब हमें इस ट्रेन को जो है गाइस लेकर के जाना है इस स्टेशन तक, और फिर इस स्टेशन पे लाकर के हम इस ट्रेन को रोक देंगे गाइस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उस स्टेशन तक। हॉन्किंग जो है मैंने कर दी है गाइस, तो हम लोग निकलते हैं उस स्टेशन के लिए, आगे की ओर बढ़ते हैं गाइस धीरे धीरे। तो देख सकते हो गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं और इस स्टेशन तक इस ट्रेन को लेकर के आएंगे, गरीब रथ एक्सप्रेस को। देख सकते हो कितने लोगों की आज हमने जान बचाई है गाइस। गाइस कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर से बताना कि यार रियल लाइफ में ऐसे कभी किसी ट्रेन का रेस्क्यू किया गया है कि कभी किसी ट्रेन का जो है ब्रेक फेल हो गया हो और कोई लोकोमोटिव गया हो उसको रेस्क्यू करने में रियल लाइफ में? अगर ऐसा कोई सीन हुआ है तो नीचे ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे तो नहीं पता यार कोई ऐसा सीन हुआ है या नहीं, अगर आपको पता है तो ज़रूर से कमेंट में बताना ताकि मुझे भी पता लगे भाई हाँ ऐसा सीन हुआ था इंडियन रेलवेज में कभी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस वक्त हमारा जो ट्रेन है स्टेशन में एंट्री मारने ही वाला है, और ये देख सकते हो ट्रैक चेंज हो रहे हैं हमारे और हमारा ट्रेन जो है स्टेशन में घुसना शुरू हो चुका। तो गाइस जैसे ही हमारा ट्रेन एंड पॉइंट तक आएगा तो ट्रेन को हम लोग जो है रोक देंगे, देन हम इस लोकोमोटिव को जो है अनकपल करेंगे और फिर लेकर के जाएंगे इसको वेप वन तक गाइस। तो गाइस देख सकते हो अभी हमने ट्रेन जो है रेस्क्यू करके ले आए हैं स्टेशन पर। तो गाइस अब इस लोकोमोटिव को जो है डीकपल करेंगे इस ट्रेन से और कपल करेंगे वेप वन के साथ। तो चलिए गाइस WDG-4D को डीकपल करते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस में से और WDG-4D को लेकर के चलते हैं आगे की ओर, एंड पॉइंट तक लेकर जाएंगे लोकोमोटिव को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं धीरे धीरे आगे। और अगर आपको वीडियो पसंद में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा है आपको ये वीडियो और ट्रैक साउंड कैसे लग रहे हैं ये भी ज़ोर से कमेंट में बताना। और देख सकते हो हम लोग एंड पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं गाइस, और ये पहुंच गए हम लोग एंड पॉइंट तक गाइस। तो गाइस अब हम लोकोमोटिव को रोकते हैं गाइस और यहाँ से जो है रिवर्सर डालते हैं लोकोमोटिव का और इसको लेकर के जाएंगे हम गाइस पीछे की ओर गाइस। तो चलिए चलते हैं और कपल करते हैं वेप वन के साथ। तो धीरे धीरे हम लोग जाते हुए इस वक्त वेप वन की तरफ, यहाँ से जो है हम लोग ट्रेन मतलब जो है हमारा लोकोमोटिव उसका जो है पूरा स्पीड कर देंगे गाइस ताकि जल्दी जल्दी हम लोग पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करें, क्योंकि गाइस अब जो है ट्रैफिक आना शुरू हो चुका है गाइस, अभी कोई भी ट्रेन आने ही वाली होगी गाइस पीछे से, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी रेस्क्यू करना होगा। तो देख सकते हो हम लोग कितनी स्पीड में आगे आ गए हैं गाइस, एक्सेलरेशन देखा आपने WDG-4D का कैसा है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है WDG-4D और WDP-4D गाइस। वैसे मुझे इस रेस्क्यू में WDP-4D करना था यूज़, मेरा जो WDP-4D है ना उसके जो है टायर शो नहीं हो रहे हैं गेम के अंदर, क्या आपके में भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है ज़रूर से कमेंट में बताना। मेरे में तो भाई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है इसीलिए मैं WDP-4D यूज़ ना कर सका, उसकी जगह WDG-4D यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हो अभी हम दोबारा से वापस रिवर्सल पॉइंट पे पहुंच गए हैं और अब वापस रिवर्स जा रहे हैं वेप वन की तरफ। तो गाइस अब हम इसको जो है कपल करेंगे वेप वन के साथ। तो चलिए गाइस करते हैं WDG-4D को वेप वन के साथ कपल। और गाइस आपने वेप वन ये वाला लिवरी जो वेप वन का है कहाँ कहाँ आपने देखा है गाइस? वेप वन मैंने देखा है लेकिन इस लिवरी का नहीं देखा, आपने देखा है तो ज़रूर से कमेंट में बताना कि कहाँ कहाँ आपने ये देखा है। और अब आप लोग एंजॉय करिए ये कपलिंग सीन को। तो गाइस देख सकते हो चुका है हमारा लोकोमोटिव का कपलिंग विद वेप वन। तो गाइस अब ये जो WDG-4D है लेकर के जाएगा इस पूरी ट्रेन को इसकी लास्ट डेस्टिनेशन तक, उसके बाद इस लोकोमोटिव को WDG-4D खींच करके लेके जाएगा इसके शेड तक गाइस। जो इसके अंदर फॉल्ट होगा लोकोमोटिव के अंदर उसमें ये ठीक किया जाएगा गाइस। वैसे तो इसका ब्रेक फेल हुआ था गाइस, इसके ब्रेक्स को ठीक किया जाएगा और अगर कोई छोटी मोटी कोई फॉल्ट होगा वो भी ठीक किया जाएगा
इसके शेड में जा कर के। और तो चलिए हम लोग इसको जो है यहाँ से डिपार्ट करा देते हैं। तो गाइज़ अगर आपको आज का रेस्क्यू वीडियो पसंद में आया हो ज़रूर से लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। नीचे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये रेस्क्यू वीडियो, और डिपार्चर को एंजॉय करिए। और लास्ट में थोड़ी सी मैंने आपके लिए ट्रैक साउंड वीडियो भी बना करके रखी है, वो भी एंजॉय करना। तो गाइज़ हो चुका है हमारा डिपार्चर कंप्लीट, और अब आप देखिए बोनस क्लिप जो मैंने आपके लिए बना कर रखी है ट्रैक साउंड वाली, ज़रूर से एंजॉय करिए उस वीडियो को भी। तो गाइज़ मैं तो जा रहा हूँ और आप लोग ये बोनस क्लिप को एंजॉय करिए। मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय दिस ट्रैक साउंड बोनस क्लिप वीडियो।